ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री हरि बोल श्री हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। एक प्रभु के अनेक नाम। प्रेम से बोलो जय जय राम। हरि नाम में सब भूल जाओ। निस दिन हर पल हरि गुण गाओ। श्री हरि बोल श्री हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की गीता माता के सद्गुरुनाथ महाराज के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बुद्धि के एक गुण है धृति। बुद्धि में धृति होती तो बुद्धि तीन प्रकार बताया और बुद्धि के जो गुण है बुद्धि के जो सामर्थ्य है जैसे विवेक है ना ज्ञान धृति ये सब बुद्धि के सामर्थ्य है। सामर्थ्य माने कैपेसिटी फंक्शन फैक्टर। खुद बुद्धि क्या है फैकल्टी। ये फैक्टर एंड फैकल्टी में फर्क है। कारण कल एक मैंने शब्द बताया था ज्ञान क्या स्थानीय है और बुद्धि क्या स्थानीय बता सकते हैं आप। ज्ञान ऐसे शब्द बताया था ज्ञान क्या स्थानीय है और बुद्धि क्या स्थानीय। हाँ हाँ और एक स्थानीय की दृष्टि से। हाँ हाँ ये आप ये करना हो गया मगर स्थानीय की दृष्टि से नोटबुक देखो। सामान्य और विशेष ठीक है ये भी है मगर मैं जिस पूछ रहा हूं ज्ञान क्या स्थानीय है और बुद्धि क्या स्थानीय। ज्ञान प्रमा स्थानीय है और बुद्धि प्रमाण स्थानीय है लिखा गया ना क्या डॉक्टर शैली लिखा नहीं है छूट गया लिखा था ना याद है। हाँ ज्ञान प्रमा प्रमा माने क्या प्रकर्षेण मीयते अनेन इति प्रमा। ज्ञान को ही प्रमा तो प्रमा स्थानीय। प्रमाण माने जिसके द्वारा ज्ञान होता है जिसके द्वारा प्रमा होती है वो है प्रमाण। तो
करण जिसे, तो प्रमाण माने करण, तो जो बुद्धि है वो करण है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं अंतःकरण। बुद्धि को अंतःकरण कितने, चित्त और अहंकार कितने हो गए, चार। तो अंतःकरण उसमें से ही है बुद्धि, देखा जाए तो अंतःकरण एक ही है, वो चार विभक्त हो जाता है। जैसे एक मनुष्य है, जब वो मॉर्निंग निकलता तो मॉर्निंग वाक्य के रूप में, फिर घर में आता है तो पति पिता एक रूप रोल, फिर ड्रेसिंग होकर के जाता है तो ऑफिसर, फिर शाम को क्लब जाता है तो उसका एक अलग ड्रेस, तो एक ही आदमी है चार रोल करता है। तो अंतःकरण में जब संकल्प विकल्प होता है वो मन बन जाता है, विमर्शात्मक अंतःकरण वृत्ति ही इति मनः, और वही अंतःकरण वृत्ति जब निश्चयात्मिक हो जाता है वो बुद्धि बन जाती, निश्चयात्मिक डिटर्मिनेशन कंफर्मेशन कंफर्म हो, और वही अंतःकरण में जब स्मरणात्मक रहता है चिंतनात्मक रहता है स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरीज वो हो गया चित्त, ये तीनों करणात्मक, और एक है अहंकार, अहम करता इति अहंकार, मैं कर रहा हूं, ये जो भावना आ जाती है वो कर्तात्मक है, ये करण है, करण माने इंस्ट्रूमेंट, एक अंतकरण की वृत्ति, जब कर्ता के साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाता है उसको कहते हैं अहंकार। तो बुद्धि अंतकरण वृत्ति और उसी के कैपेसिटी ज्ञान, उसी के कैपेसिटी विवेक, उसी के कैपेसिटी धृति। तो बुद्धि तीन प्रकार वो बताई गई, अब है बुद्धि के जो कैपेसिटी है जो गुण है वो धृति वो बताई जा रही। तो सात्विक धृति धृति किसे कहते हैं, हम लोग 33 देखेंगे। श्री भगवान वाच धृत्याया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विके भगवान कहते हे पार्थ, तुम प्रथा माँ के पुत्र हो, बुआ है मेरी, और जो कुंती है प्रथा है उसके अंदर बहुत धृति है, बचपन से ही उन्होंने धैर्य धारण करके तुम लोगों को बढ़ाया, उनके अंदर कितनी विपत्ति आई फिर भी वो विचलित नहीं हुई, उनकी जो धृति है जो धारण करने की शक्ति है वो बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए भगवान याद दिलाते हैं पार्थ क्या योगेन ओव्यभिचारिण्या, अर्थात बुद्धि के जो धृति है उसने प्रैक्टिस किया योग, योग के प्रैक्टिस किया, क्या योग प्रैक्टिस किया है, योग माने क्या जुड़ना, तो परमात्मा के साथ जुड़ने का उसका मन, उसका जो बुद्धि है जो धृति है वो कर लिया योगेन ओ व्यभिचारिण्य माने व्यभिचारी माने कवि है कवि नहीं, अनस्वर्विंग अव्यभिचारी, व्यभिचारी ने स्वर्विंग, अव्यभिचारी अनस्वर्विंग, ऐसे धृति बोलते हैं। तो पहले क्वालिटी बता रहा है, पहले एक है योगेन योग से अव्यभिचारी ने, अगर अलग अलग करेंगे ना दो हो जाए, हम सात्विक धृति की क्या क्या क्वालिटी है उसको देखते हैं। फर्स्ट है योगेन, अर्थात जिसके बुद्धि भगवान से जुड़ गई है योगेन, योग का अर्थ है निरंतर ब्रह्म में समाधि योग से धारण रखता है,
ब्रह्म में ही चिंतन करता। योग क्या है? न चित्त वृत्ति निरोध, उसके तो बुद्धि के जो वृत्ति है, जो चित्त की वृत्ति, वो निरोध हो गया योग। सेकंड अर्थ क्या है, सेकंड क्वालिटी क्या है? ओ व्यभिचारिण्य अर्थात व्हेन अनसर्विंग, यानी कि कभी है कभी नहीं है ऐसे नहीं, अव्यभिचारिण्य। दो हो गया। तीसरा, मन प्राण इंद्रिय क्रिया अर्थात मन कंट्रोल है। मन क्या है? अभी अभी हम लोग ने देखा संकल्प विकल्पात्मक मन। मन क्या? बहुत भागता है। अभी हम लोग तो यहाँ बैठ के चिंतन करते हैं, मन भागता है, और बाकी लोग पूछे मन क्या है? मन क्या है? जो मन में आया वो किया, मन आया वही चिंता, उसके लिए इतना वो क्लास क्या करने का जरूरत? मन में आया खाया खाया गया गया। ये वो मन इतना चंचल होता है और मन हम लोग को तकलीफ देता है, समझ में ही नहीं आता वो कैसे आप लोग बोलते मन तकलीफ देता है। वो इतने तमस में है, इतने रजस में है, तो वो मन के जो चंचलता ना उनको दिखाई नहीं देता। अब देखो, जो नदी की धारा है उसमें गंदगी पता नहीं चले, पानी बह रहा है, या एक ए, 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 एक पानी है बकेट में हो और गंदा है पानी, गंदा और हिल रहा है, तो भी पता नहीं चले। ये गंदगी कब पता चलेगी? जब पानी स्थिर हो जाएगा, तो देखा कि नीचे गिर गया सब नीचे। इसी प्रकार जब हम सात्विक बढ़ाएंगे तो हमारे अंदर गंदगी है कैसे है पता चलेगा। जब हम ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो हमारा मन कितना विक्षिप्त है पता चलेगा। कल मैंने बताया था हमारे अंदर अटैचमेंट है कि नहीं, तो इसको हटने के लिए घर से थोड़ा निकलना पड़ता। जब घर से निकलोगे ना, आश्रम जाओगे या कोई तीर्थ जाओगे कहीं जाओगे, तो उससे पता चलता है कि हमारे अंदर अटैचमेंट कितना। इसी प्रकार रजस को जानने के लिए सात्विक होंगे तभी रजस को जान सकते, तमस को जानने के लिए सात्विक होंगे तभी जान सकते, नचन नहीं जान सकते। रजस एंड तमस को जानने के लिए सात्विक होना पड़ेगा। अगर कोई अपने मन के बारे में जान नहीं पा रहा तो जानना कि वो इतना रजस है और इतना तमस है, तो वो लक्षण है, इसलिए वो जान नहीं पाएगा और रजस के कारण तर्क भी देगा, ये क्या बात है, क्या जरूरत है, धर्म करने की क्या जरूरत है, पूजा करने की क्या जरूरत है, तुम लोग इतने सब पूजा क्यों कर रहे हो, क्या क्यों सत्संग जा रहे हो, हम देखो हम नहीं जाते हैं, हम भी जी रहे खा रहे पी रहे, क्योंकि वो रजस का तर्क है। सत्व ही बता सकता है कि क्या चंचलता है और क्या प्रमाद है। देखो सब लोग देहो हम, साधना पंचक में कहते हैं देहो अहम मति रुज्यता, ये एक पॉइंट। तो सब लोग देहो मगर सब लोग नहीं जान पाते कि मैं देहो। इंटरेस्टिंग, कब कौन जानेगा? ना जब पूर्वजन्म के संस्कार के कारण, गुरु कृपा के कारण, गुरु एक पानी में पत्थर फेंक दिया, हमारे जो पानी में हमारे जो मन रूपक अंतकरण में पत्थर फेंक दिया, वो पत्थर क्या है पता है? को हम को हम को हम पत्थर फेंक दिया विचार का, तब आ गया को हम को हम को हम, देन रिफ्लेक्ट होगा देहो हम देहो हम। समझ में आया? जब विचार करेंगे तभी देहो हम आएगा, मनुष्य विचार नहीं करेगा तो देहो हम आएगा ही नहीं। मैं तो ठीक हूं, खा पी रहा हूं, मस्ती कर रहा हूं, तुम लोग खाम खाम हैरान हो रहे। फिर जब संस्कार के कारण, पूर्वजन्म के संस्कार बहुत जरूरत है और गुरु कृपा, किसी गुरु के सानिध्य से, किसी गुरु के सत्संग से, श्रवण से,
वो बता करेंगे को हम तुम कौन हो। अब रमण महर्षि, अब स्वामी तपोवन जी के बारे में मुझे भी एक टॉक देना है तो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तपोवन जी लिख रहे हैं कि मैं गया था, मैं यंग था और गुफा में रमण महर्षि ध्यान कर रहे थे, गुफा में रहते, पूछ के गया कि गुफा के अंदर है, ध्यान कर रहे थे, साहस किया मैंने और लोग भी जाते थे, देखा कि कोई फल दे रहा है, रख रहा है, तो हमने सोचा मैं भी रखूं, तो मैंने कुछ केला लिया। तपोवन जी महाराज कह रहे मैंने कुछ केला लिया और मैंने रखा, तो पता ही नहीं लकीली उन्होंने आंख खोली और उसी समय ना हंसना ना बात करना कुछ था, मैंने जो केला रखा एक बंदर आया और वो केला को ले लिया और मैं देखता रहा, थोड़ा सा वो हंसने लगे, मुझे एक सुकून लगा, क्या अर्थात तुम जो लाए हो मुझे तो जरूरत नहीं है, क्योंकि रमण महर्षि उमाड़ में थे, उमाड़ माने समझे 1 meal a day उसको बोलते उमाड़, दिन में ही थोड़ा सा खाते थे, रात में नहीं है, उनको जरूरत नहीं, जिसको जरूरत है वो ले लिया। तो रमण महर्षि कहते हैं तुमने जो दिया है ना वो स्वीकार हो गया है, और कहते एक घंटा हम बैठे, तो ये तपोवन जी का एक्सपीरियंस है हिमगिर विहार में, एक घंटा हम बैठे मुझे देखते रहे, मैं भी देखता रहा, मेरे अंदर ह्यूमिलिटी, मेरे अंदर भावना आते थे, कुछ बोलेंगे ज्यादातर कुछ बोलते नहीं थे, ज्यादातर किसी को आकर जो डिवोटीज लोग आते थे वो बोलते थे भगवान हमारे ये दुख है, हमारे ये दुख है, पर रमण महर्षि के पास एक ही वाक्य था, क्या है, यस इंक्वायर हु एम आई। अच्छा जिसको दुख हो रहा है बेटा वो है कौन, विचार करो, ना मेरी पत्नी बहुत गुस्सेली वाली है, अच्छा पत्नी गुस्सेली वाली बाद में आएगा, तुम है कौन उसके बाद जानो, उसके बाद तुम्हारी पत्नी आएगी, तुम्हारा बच्चे तुम्हारा बेटा नौकरी नहीं हो रहा, पहले तुम है कौन विचार करो उसके बाद तुम्हारा बेटा आएगा, क्योंकि तुम है कौन जब सोच रहे हो ना वो आधार है, उसके अनुसार तुम्हारा बेटा, तुम जब ब्रह्म है फिर के बेटा किसका पत्नी किसका, ये सब रोल कर रहे हो, ये अभ्यास मात्र। इतना भी जरूरत नहीं था तपोवन जी को बोलने के, माने रमण महर्षि जानते ये इतना बड़ा साधक है, कुछ नहीं बोला, हु आर यू बोलने की जरूरत नहीं, खुद ही क्योंकि उसी साधना में है तपोवन जी महाराज, अभी स्वामी त्यागानंद जी नहीं बने, क्योंकि 14 साल पिताजी के मरने के बाद 33-34 साल में उन्होंने संन्यास छोड़ा, 20 साल में जब थे उनके पिताजी मर गए, उनके एक छोटा भाई था जो पढ़ रहा था वकालत पढ़ने वाला, तो 20 साल में वो भी 14-15 साल का था, तो उन्होंने एक संकल्प लिया, मेरे पिताजी ने कहा था कि ये बड़ा होने के बाद तुम फ्री हो सकते हो, तो 14 साल तक रुके, वो जब वकील बना तब वो गए, तो इसी बीच में मगर बीच बीच में वो उसी समय यात्रा करते थे, तो रमण महर्षि को उन्होंने दर्शन किया, तो इतना सुकून मिलता था, कुछ नहीं बोले एक घंटा, फिर उसके बाद किसी एक भक्त भोजन करने के लिए प्रसाद करने के लिए बुलाया, उस समय मेरी इच्छा नहीं, फिर मैं मना करता रहा, फिर वो बोलता गया प्लीज आप लीजिए, तब रमण महर्षि ने उस भक्त को कहा प्रेस मत करो, मैंने जान लिया कि ये साधक है, ये लेने वाले नहीं है, प्रेस मत करो, और उसके बाद मैं प्रणाम करके आया, रमण महर्षि भी उठे, उस जो गुफा में बैठे थे वो उठने लगे, तो मैं भी उठा, सोचो कितना सुंदर एक्सपीरियंस। बाद में तो स्वामी तपोवन जी जब रहते तो उत्तरकाशी में वो भी एक ही बार भोजन करते, साधना त्याग और तपो तपस्या के जो
एम्बडीमेंट है वो तपोवन जी महाराज। उनके बारे में सोचना बोलना भी एक तप है। जितने सोचेंगे उतना आनंद आए। क्या है? मनः, सात्विक धृति है जो मन, मन जो संकल्प विकल्प है वो शांत हो जाता है। इंद्रिय मन, उसके बाद प्राण, उनका प्राण भी कंट्रोल हो जाता है। जब मन कंट्रोल है तो प्राण कंट्रोल है। हम प्राणायाम इसलिए करते हैं कंट्रोल करने के लिए, मन कंट्रोल करने के लिए। तो मन कंट्रोल है तो प्राण भी कंट्रोल है और इंद्रिय भी कंट्रोल है। अभी इंद्रिय का क्या काम है? पांच ज्ञानेन्द्रिय तो देखता है जगत, सुनता है, सुनता है। तो कहते उनकी इंद्रिया जो है ना वो पश्य देवस्य काव्यम। चलिए गुरुदेव तपोवन जी के बारे में क्या कह रहे। तपोवन कौन है? हमारा परम गुरुदेव, दादा बोलते हैं, दादा परदादा, फादर ग्रैंड फादर। तो परम गुरुदेव, परम शब्द लगा देने से ग्रैंड हो जाए, परम गुरुदेव। गुरुदेव हम लोग, गुरु जी हमारे, तेजवाना गुरु जी बोलते हैं, ठीक है। मिशन में ये टेक्निकल वर्ड। तो गुरुदेव लिखते हैं क्या चिन्मय, मैं तो था अच्छा स्टूडेंट था, सब लोग इवन सुंदरानंद जी अलग अलग लोग भी मानते थे कि गुरुदेव बहुत पावरफुल स्टूडेंट थे। गुरुदेव के लिए तो तपोवन जी महाराज पढ़ाना शुरू करते थे, चिन्मय और बाकी गोविंदगिरी अन्य अन्य सब थे। अभी मैं गया था उत्तरकाशी, तो गंगोत्री गए तो वहां गोविंदगिरी के आश्रम भी गए, गंगोत्री में है, मैंने उनका दर्शन भी किया वहीं गंगोत्री में। वो तपोवन जी महाराज की सेवा करते, तो गुरुदेव, परम गुरुदेव बोलते चिन्मय चल गंगोत्री चलते हैं और रास्ते में मैं कभी भी कुछ भी पढ़ा लूंगा। इसलिए आप देखना अभी भी हमारे सिद्धवाड़ी में जो गुरुदेव के कुटिया में और जो टेबल में गुरुदेव के मांडुक्य उपनिषद का नोट है और अलग अलग उपनिषद का नोट है। कभी कभी वायरल कोई रखा है, घर से कोई निकलता है तो बताया जाता है। तो जब चलते थे ना तो गुरुदेव बोलते थे हम देखते हैं कि हाँ गंगा नदी बह रही है, हम देखते हैं कि बारिश हो रही है, हम देखते थे धूप हो रहा है, मगर तपोवन जी महाराज देखते भगवान के क्या विभूति है। तो मैं हम गंगा देख रहे हैं, हम हिमालय देख रहे हैं, हमारे अंदर इतना नहीं आ रहा है, गुरुदेव के अंदर कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है? क्योंकि उनका मन गंगा नहीं देखता, उनका मन धूप नहीं देखता, उनका मन पहाड़ नहीं देखता है, उनका मन भगवान की विभूति देखता है। भगवान ही, पता है गंगा की परिभाषा उन्होंने क्या दिया? गंगा स्तोत्र में मैंने बताया, अभी मैंने गंगा स्तोत्र उत्तरकाशी कैंप में लिया था, तपोवन जी महाराज का ही श्लोक उसमें है। गंगा है क्या ना, कहते हैं ब्रह्म जब द्रवीभूत हो जाता है ना वो है गंगा, द लिक्विडफाइड ब्रह्मन इज इक्वल टू गंगा, जो वो ही देख सकते। तो इंद्रिया देखो, मन शांत है, मन फिर क्या है, प्राण कंट्रोल है, मन प्राण, क्रिया कंट्रोल है, क्रिया भी वही क्रिया माने इंद्रिय क्रिया, इंद्रिय की जो क्रिया है, इंद्रिय के जो फंक्शन है, मन के जो फंक्शन है, श्वास के जो फंक्शन है वो भी इतना कंट्रोल है। योगेन अव्यभिचारिण्य यथा धृत्वा मन, जिसके कारण, जिस धारण के कारण मन प्राण इंद्रिय क्रियाः धारयते, अर्थात धारण की जाती। मन कंट्रोल है, प्राण कंट्रोल है, इंद्रिय भी कंट्रोल है, और कैसे कंट्रोल करना है? साधना की दृष्टि से बस यही देखना, मन
संसार की तरफ जाता है, मन भगवान की तरफ लगाओ, श्वास को कंट्रोल करो और इंद्रिया जो आंख कान है वो स्टार्टिंग में जैसे पूजा कर रहे हैं ना, भगवान है तो सुंगना भी किसका, भगवान कहीं प्रसाद, देखना भी किसका, भगवान को ही देखना, आंखें तरसनी चाहिए। फिर पश्य देवस्य काव्य, देखो ये जगत क्या है, भगवान के ही काव्य विभूति, इसको कहते हैं सात्विक धृति। अच्छा सात्विक धृति के अलग अलग कथाएं, एक उत्तंक है और एक है लिखित थे, ये वेद में पुराणों में दो ऋषि के बारे में वर्णन है। ठीक, तो ये दोनों भाई थे, उत्तंक अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे, लिखित भी अपने ढंग से साधना कर रहे थे, नियम के अनुसार किसी के पास आएंगे तो उनके परमिशन लेना है। तो लिखित घुस गए उत्तंक के बिना परमिशन में, तो उन्होंने क्या किया, कहा कि देखो ये गलत किया तुम, अब ये तुमको दंड पाना पड़ेगा। तो लिखित कर ठीक है गलती की मैंने, बताया क्या दंड, ना मैं नहीं देने वाला, दंड देने का काम किसका है, राजा का, इसलिए मैं तुझे राजा के पास भेजता हूं, बस किसी के शिष्य के साथ राजा के पास भेजा कि ये गलती की है और आपको दंड दे रहा, राजा का ठीक है हाथ काट दिया। उस समय भी उत्तंक जैसा ऋषि ने भेजा है और किया है, हाथ काट दिया, अब कटा हुआ हाथ है, उत्तंक फिर लिखित आश्रम में आए, अपेक्षा किया उसको दंड मिलेगा, फिर कहा कि देखो मैं बहुत खुश हुआ, बोले क्या है, मेरा तो हाथ कट गया आप खुश हो रहे, ना 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 तुमने गलती किया है और मैंने दंड देने के लिए राजा के पास भेजा, तुमने जो शिकार किया, तुम्हारे मन के अंदर कोई राजसिक वृत्ति नहीं थी, तुमने सात्विक वृत्ति धारणा की, इसलिए ये जो हाथ अभी कटा हुआ है मेरे तपस्या के कारण और एक बार हाथ फिर जुड़ जाएगा, जुड़ा दिया। अब देखो ये दोनों के अंदर सात्विक धृति है, उन्होंने भी सात्विक धृति धारण किया, खुद रिएक्टिव नहीं हुए, खुद प्रतिक्रिया नहीं किया, कहे तुम गुस्से, ये राज्य का एक नियम है, एक व्यवहार का एक नियम है, तुम्हारे गलती के कारण तुमको दंड मिलेगा और दंड देने का अधिकार राजा का है, मैं नहीं देने वाला, सात्विक धृति, इन्होंने स्वीकार किया और ग्रहण किया तो इनके भी सात्विक धृति है, और इन्होंने इस सात्विक धृति के कारण उनको क्या दे दिया, पुरस्कार भी दे। ठीक, भागवत में कथा आती, युवनाश्व करके एक राजा थे, वो राजा यज्ञ कर रहे थे, और पुराने जमाने का जो यज्ञ होता था ना वो बड़ा तपस्या युक्त यज्ञ होता था, राजधानी के दूर कोई जंगल के आसपास वहीं पर करते थे, यज्ञशाला है, रात में सोए थे यज्ञशाला में, वो जैसा अभी हम लोग के सिद्धवाड़ी में देखा था ना, इतना कलश है, पानी है, और वो पानी सप्त नदी से लाया गया था, अलग अलग नदी से लाया गया था, वो ब्रह्मचर्य लोग ड्रम में रखे फिर वो कलश में भरते थे, है ना, तो यज्ञ में कलश रहता है उसमें पानी रहता है, उनको रात में प्यास लगी, राजा है प्रासाद में रहने की आदत है, पानी मिलने इच्छा किया था प्रकट हुए, अभी क्या कर, देखा अंधारा है, शायद यज्ञशाला का कुछ ही दीप जल रहा हो, जल रही होगी, या तो यज्ञ का कुछ ही है, तो धर धर देखा कि कलश में पानी है, तो प्यास तो लग रही थी, पी ली, अब जब पी लिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, सवेरे सवेरे
ऋषि लोग आए कि इसका पानी कौन पी लिया, तो योगनाथ कहा कि मैंने पी लिया, आपने तो बहुत गलती कर दिया। क्यों, ये जो जैसे ब्रह्म कलश होता है ना, वहां पर भी एक बहुत बड़ा ब्रह्म कलश था जो मुख्य यजमान ने पकड़ा, हालांकि वो मुख्य यजमान जो मेन ब्राह्मण है वो लेके ऊपर गए। तो ये जो कलश है ब्रह्म कलश, मैं नाम देता हूं समझने के लिए, ये अविसंचित किया था आप जो यज्ञ कर रहे थे पुत्र होने के लिए, ये पुत्र प्राप्त करने का अविसंचित था, और ये आपको पीना नहीं था, ये आपकी पत्नी रानी को पीना था। अभी आपने पिया ना, आपका पुत्र होने वाला, ये बड़ा साइंस है, सोचो तो। अब क्या करें, गर्भवती हो गए, कभी कभी वायरल भी हो रहा है, पुरुष भी गर्भवती हो रहे, इसलिए जब ये सब सुन रहे ना, कोई विश्वास नहीं कर रहा है, गलत समझ रहा है, मगर विज्ञान कह रहा है सब कुछ संभव है, और पुराण कहा था हमारे पास तो बहुत उदाहरण है, यही उदाहरण। क्योंकि जो गर्भधारण का एक ही मेथड नहीं ना, सो मेनी मेथड से, पहले तो पुत्र जो होना है सो मेनी मेथड से, मन से ही हो जाता था, ब्रह्मा ने मन में किया तो ये 10 पुत्र निकल गए, ये जो वशिष्ठ है आदि सब जो 10 पुत्र है, नारद दक्ष आदि, सब तो मन से हुए, मनु और शत्रुपा के द्वारा ही हुए वीर्य से बाद में, तभी हम लोगों को मानव कहा गया। अब वो पुत्र हुए, पुत्र तो हो गया, अब बच्चा रो रहा, अच्छा पेट तो बढ़ गया और पुत्र फट गया और हो गया, फिर क्लियर हो गया वो सर्जरी, कल जरूरत नहीं, सब सिस्टमेटिक हो गया, और अभी बच्चा रो रहा है, क्या रो रहा है, दूध पीने के लिए, कौन देगा, स्तन भी तो होना चाहिए था, है नहीं। तब इंद्र देवता आए और उनको उनके जो जो फिंगर है कनिष्ठा फिंगर, वो बच्चे को दे दिया। फिर प्रश्न हुआ, काम धाता माने इसको धारण कौन करेगा, इसके माँ कौन बनेगे, इसके धाई कौन बनेगे, धाता माने धाई, धाई कौन बनेगे, तो इंद्र ने कहा मान धाता, इसीलिए युवनाश्व का लड़का का नाम क्या था, मान धाता। इंटरेस्टिंग कहानी है, वही मान धाता बाद में चक्रवर्ती बने और सात्विक धृति धारण करके परमात्मा को प्राप्त किया, छोड़ दिया त्याग, सब कुछ भोग किया, उसके बाद छोड़ दिया, सात्विक धृति धारण किया और परमात्मा को लीन हो गए, ये है सात्विक धृति। अब आगे राजसिक धृति, यया तु धर्म कामार्था, धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगे न फलाकांक्षे धृति सा पार्थ राजसे। राजसिक व्यक्ति के पास ही राजसिक धृति रहेगी, धृति माने धारण कर, देखो सबके अंदर धारण करने की शक्ति है सबके पास, वो निर्भर करता है आप किसके लिए कर रहे हो, भगवान के लिए कर रहे हो सात्विक बन जाती, संसार के लिए कर रहे हो राजसिक बन जाती, कुछ करना नहीं चाहते हो तामसिक बन जाती। अभी तामसिक भी देखेंगे, पहले राजसिक क्या, पार्थ हे अर्जुन, दो दो संबोधन देते भगवान, हे पार्थ हे अर्जुन सुनो, प्रसंगे न तू फलाकांक्षे, प्रसंगे न माने कोई एक प्रसंग, हम लोग व्यवहार करते ना हिंदी में, कोई एक क्या प्रसंग चल रहा है, क्या प्रसंग हो रहा है, प्रसंग का अर्थ है टॉपिक, ज्यादातर क्या क्या, जैसे 2-3 लोग बात कर रहे हैं, आप आ गए, क्या क्या टॉपिक चल रहा है, बोलते हैं व्हाट इज द टॉपिक यू आर डिस्कसिंग, क्या 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 बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रसंग, वो अर्थ है, मगर यहाँ नहीं, प्रसंगे न माने जिस जिस धर्म अर्थ आदि के कारण आदि के धारण करने का प्रसंग, प्रसंग माने धर्म अर्थ
धारण करने के जो प्रसंग है, जो मैं कर सकता हूं, ये मेरा अवश्य कर्तव्य है, इस रूप से निश्चय की अवस्था, उसको प्रसंग कहते हैं। निश्चय का जो समय है, जो अवस्था है, उसको प्रसंग कहते हैं। प्रसंग माने टॉपिक या नहीं, यहां क्या है, अवस्था। हाँ, क्या प्रसंगेन, क्या अवस्था, धर्म अर्थ काम, ये जो तीन पुरुषार्थ, जो चौथा है मोक्ष है, वो सात्विक में गया, योगेन उसे से ही मोक्ष आ गया। मोक्ष क्या है, निश्रेय, वो क्या है, श्रेय कठोपनिषद, और ये क्या है, प्रेय कठोपनिषद, इसको क्या कहते हैं, अभ्युदय। क्योंकि मनुष्य आया है मीन्स उसके अंदर कोई कामना है, तभी तो मनुष्य प्राप्त किया है, और मिश्र योनि है, पाप भी है पुण्य भी, उसके अंदर धर्म अर्थ काम तीनों ही है। श्रेय जो मोक्ष है उसको करना पड़ता है, नहीं तो बाकी दो लेके आता है, अर्थ और काम, वो ब्रॉड फॉरवर्ड है। देन इसके संस्कार बनने पर वो जो धर्म है वो आगे बढ़ता है, फलाकांक्षा, फल की जो इच्छा है। जिस धृति के द्वारा मनुष्य धर्म अर्थ और काम को धारण करता है, और इन सबके मन में अवश्य कर्तव्य रूप निश्चित किया रहता है, उसको कहते हैं प्रसंग। जिस जिस धर्म आदि के धारण करने का प्रसंग आता है, अर्थात अवस्था आती है, उस प्रसंग में जिस धृति के द्वारा मनुष्य प्रेरित होकर के कर्तृत्व आदि के अभिमान से फल की इच्छा करता है, उसको राजसी धृति कहते हैं। जैसे धर्म का पालन करना चाहता है तो उसके लिए उसको उद्यम करना पड़ेगा, उसके लिए उसको एक कर्ता भाव होना पड़ेगा, उसके अंदर भी धैर्य रखना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं राजसिक। अर्थ, अर्थ माने क्या, ऐसे साधारण तो अर्थ माने पैसा, अर्थ माने पैसा, मगर काम की पूर्ति करने का साधन को अर्थ कहते, सुरक्षा भावना को अर्थ कहते, काम को पूर्ति करने के साधन को अर्थ कहते, उसका एक मीनिंग है पैसा। अब पैसा कमाने के लिए धैर्य चाहिए कि नहीं, बताओ। जो जो विदेश में जाते हैं स्टार्टिंग जो रह गया, तो जो स्टार्टिंग में जाते हैं, माने पहले भी थोड़ा सा था, आजकल बड़ा डिफिकल्ट है, फैसिलिटीज के दृष्टि बढ़िया है, कहीं भी जाओ आजकल का खाना मिल जाता है, यूएसए में जाओ, दूसरे जगह पर, चाइना में, पुराने 40-50 साल खाना ही नहीं मिलता था, जहां ही रेस्टोरेंट देखो नॉन वेज है, जो टोटल वेजिटेरियन है बड़ा मुश्किल में पड़ जाता है, जो स्ट्रांग रहता है वो नहीं खाता है, और जो खा लेता है बस क्या करें, हम खाना पड़ा। इसीलिए तो पैसा कमाने के लिए, अर्थ कमाने के लिए जिसके अंदर धैर्य है वही कर सकता है, नहीं मैं नहीं रहूंगा, अच्छा नहीं है, मुझे रैगिंग कर दिया, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया, वो रंग भेद वहां भी चलता है, वहां ज्यादा चलता है, हमारे भारत में तो कम चलता है रंग भेद, समझ रहे, काला गोरा ये सब। तो अगर कोई स्ट्रांग होकर रहा, लक्ष्य क्या था, अर्थ, उसको कहते हैं राजसिक, उसने धैर्य किया और अर्थ को पाने के लिए। काम माने क्या, भोग अभिलाष काम, कोई यज्ञ किया, संसार में सुख प्राप्त करने के लिए उसने इंतजार किया, उसको कहते हैं राजसिक। अर्थात है उसके पास स्थिति, मगर वो सांसारिक तरफ है, अर्थ धर्म काम के तरफ, फल इच्छा उसके अंदर रहती, फल की इच्छा, प्रसंगेन फलाकांक्षा, बस इसको उल्टा दो, फलाकांक्षा नहीं है,
तो वो सात्विक हो जाएगी। फल इच्छा रहती है जिसमें सदा, धन धर्म भोग की है धारणा, आसक्ति भी बहुत जिसमें भरी, कहते उसे है धृते राजसी। सुंदर पद के माध्यम से बताया गया है। अब आगे तामसिक वृत्ति, ठीक है, तामसिक वृत्ति श्लोक नंबर 35। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृति सा पार्थ तामसे दुर्मेधाः। ये विशेष नाउन है, सब्जेक्ट बोलते जो कर्ता, दुर्मेधाः अर्थात मेधा ही उल्टी है, दुर्मेधाः सद और असत का विवेक नहीं है। मेधा माने क्या, विवेक करना, मेधा सुक्तम है, मेधा सुक्तम, विवेक करने में जो असमर्थ है वो दुर्मेधा, ऐसे व्यक्ति विवेक नहीं कर पाते, विचार नहीं कर पाते, ऐसे दुर्मेधा वो क्या करता है, इन पांचों के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों के लिए, समझा, इन पांचों के लिए बाकी को छोड़ता नहीं, इन पांचों को पकड़ता रहता। इसको कहते तामसिक धृति। विद्यारण्य स्वामी जी हैं, विद्यानंद स्वामी जो कैलाश आश्रम के महामंडलेश्वर थे, हमारे जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था ना वो आए थे, टॉक दिया था हिंदी में, वो उनके प्रवचन में, वो स्वामी शिवानंद जी के डिवाइन लाइफ सोसाइटी में उन्होंने 18 दिन के गीता के ऊपर प्रवचन दिया, उसका संकलन किताब है, उसमें लिखते हैं, कहते हैं तामसिक व्यक्ति क्या करता है, वो उठता है लेट, स्वप्न मने यहां पर सोना, तो किसी ने कहा नहीं तुमको जल्दी उठना है, उसने इसे एक घड़ी लगाया, देखा जानबूझ के किया, कभी घड़ी लगाया उसने, जब घड़ी लगाई तो लगा दिया कि मैं 5 बजे उठ जाऊ, है ना, उसने तुरंत बंद कर दिया, मैंने जैसे अभी बंद किया तो बंद कर दिया, फिर सोने लगा। क्या है, सोने के लिए सोना नहीं छोड़ता है, पूजा बाकी सब छोड़ देता है, उसको कहते हैं तामसिक। अभी समझ में, उसको सोने में आनंद है, सपना, फिर कहते हैं भयम, बस भय में ही पड़ा रहता है, भय को छोड़ता नहीं, अरे छोड़ो तभी तो तुम राजसिक सात्विक में जाओगे, ना छोड़ूंगा ही नहीं, अर्थात नेगेटिव को जो पकड़ते रहता है ना उसको कहते हैं तामसिक धृति। स्वप्न भय शोक, शोक माने दुख, तीन क्या, विषाद, विषाद। अच्छा शोक और विषाद में क्या फर्क है, तो कहते हैं इष्ट वियोग जनित संताप शोक इति। क्या कोई चीज आपके पास है और वो नष्ट हो गया तो दुख होगा, शोक, और जो चीज नहीं है माने जो पसंद नहीं है वो आ गया तो शोक। विषाद क्या होता है, ना विषाद कहते हैं इंद्रियों की ग्लानि, दुख, खिन्नता, उसको कहते हैं विषाद। विषाद योग में है ना अर्जुन, प्रथम अध्याय, छीदन्ति मम गात्राणि बेपुतश्च शरीरे, वो इंद्रिय की अवस्था जो है वो विषाद, और जो मन की अवस्था है वो शोक है, इसलिए फर्क है, शोक एंड विषाद, चार गया। और एक है मद, मद माने अपने प्राइड, यस, गर्व, अहरह गर्व परित्यज्यता साधना पंचक, अभी मैं ले रहा हूं ना इसलिए माइंड में रहता है,
इसलिए शास्त्र को आप बार बार लेते रहोगे तो वही चक्कर वही घूमता रहेगा। अहरह, ये जो गर्व है, जो प्राइड है, वो प्राइड का अर्थ क्या कहते हैं ना, जब मनुष्य के अंदर कोई खासियत है ना, उसको दिखाने का जो भाव है वो प्राइड है। पर्सनालिटी उसके अंदर, ये जो इंग्लिश के जो शब्द है ना पर्सन, ये पता है ग्रीक शब्द से आया पर्सोना, PERSONA, पर्सोना माने मुखौटा, पर्सोना जो ग्रीक वर्ड है वो मुखौटा, इसका अर्थ है जिसके अंदर ज्यादा मुखौटा है ना वो पर्सनालिटी। ऐसे पांच मुखौटा है, अन्नमय कोश, हाँ प्राणमय कोश, हाँ मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये मुखौटा है। ये मनुष्य दिखाता रहता है, जो चीज कोई खासियत उसके पास है वो दिखाने को कहते हैं गर्व, वो छोड़ता नहीं, वो अपने आप रखता है, उसको कहते हैं तामसिक धृति। भगवान कहते हैं सुनो, अब मेरा ये कंप्लीट हो गया, अब मैं तुमको आगे बढ़ाता हूं। भगवान कहते हैं देखो याद रखना, ज्ञाता ज्ञेयम् परिज्ञाता, बताया था ना कितने नंबर श्लोक में, कितना 18, वेरी गुड। ज्ञानम ज्ञेयम् परिज्ञाता करणम कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह, ये ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता बता दिया। अब भगवान सुख के बारे में बता रहे हैं, ये 36 और 37 दो श्लोक एक साथ जाता है, तभी क्योंकि ऊपर वाला प्रतिज्ञा है और बाकी जो डेढ़ श्लोक है अर्थात 37 पूरा और 36 का आधा सात्विक सुख, और ऊपर में बोल देते मैं तुमको तीन सुख बता रहा हूं। सुखम त्विदानिम त्रिवेदम श्रुणो मे भरतर्षव अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छते यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् सुखं तु इदानिम्। इदानिम अब मैं तुमको सुख के बारे में बता रहा हूं, तीन प्रकार के सुख है। इदानिम तू विलक्षण करके अर्थात मैंने अभी ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता बताया, कर्म भी बता दिया, अब मैं तुमको सुख के बारे में बता रहा हूं। तू इंडीड विलक्षण के रूप में, तू इदानिम सुखम त्रिविधम, ये भी तीन प्रकार ही। भगवान को बड़ा मैंने मजा भी आता होगा बोलने में, तो इतना साइंटिफिक है अर्जुन, क्यों? तीन गुण वो सोर्स है, वो मेन है, बस उसी से ही डिविजन करते रहो। तो भी तीन प्रकार है गुण के अनुसार। श्रुणो मे भरत ऋषभ, हे भरत ऋषभ, हे भरत श्रेष्ठ सुनो, क्या ये जो सात्विक सुख है ना, सात्विक राजसिक तामसिक, तो सात्विक जो सुख है वो है अभ्यास रमते, अभ्यास से ही मिलता है, ऑल इन सडन नहीं मिलेगा। आप बोलोगे नहीं आज ही आया और आज ही मिल जाएगा, नहीं। कोई पूछना आपने उनको बुला के लाया और कहा कि तुम सत्संग अटेंड करो, आया था गया, मगर एक ही क्लास में परमानंद नहीं मिला। एक ही क्लास में परमानंद मिल जाएगा क्या? उसको अभ्यास करना, और अभ्यास करना कोई नहीं चाहता, वो सोचते हैं तुरंत, वो क्या है टू मिनट्स नूडल मोल है ना, टू मिनट्स मैगी है ना, कुछ नहीं होता। अभ्यास करना पड़ता, अभ्यास रमते, रमण करता है अभ्यास रमते। दुखांतम च निगच्छति,
फिर दुख नहीं रहता है। दुखांतम च निगच्छति, दुख नहीं रहता, दुखांतम अर्थात दुखांत हो जाता है, सात्विक सुख है। और क्या, यत्तदग्रे विषम एवं, प्रारंभ में विष जैसा लग रहा है, प्रारंभ में तपस्या लगता है, प्रारंभ में कठिनाई लगती है, यत्तदग्रे विषम एवं परिणामे अमृतपम, मगर परिणाम में अच्छा है। अब छोटा सा है, अगर कोई कंट्रोल करेगा, जैसे ट्वाइस मील ए डे, पहले पहले ओहो भूख लगती है, भूख लगती है, भूख लगती है, जब कंट्रोल कर दिया बस अच्छा लगेगा, शरीर भी हल्का लगेगा। और ओमाड करेगा वंस ए मील ए डे तो और भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये सब क्या है, सात्विक सुख। प्रारंभ में तपस्या है, कठिनाई है, अंतिम में अच्छा है। कष्ट करने से ही कृष्ण मिलते, कष्ट ही नहीं करोगे तो कृष्ण कैसे मिलते। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, और वो कैसे मिलता है, आत्मबुद्धि प्रसाद, जब बुद्धि जब आत्मा में जुड़ जाती है ना, उसकी कृपा से ही, आत्मा में जुड़ने की जो कृपा है ना, वो है सात्विक सुख। प्रसाद जब, ये प्रसाद है, ये कृपा है, प्रसाद बुद्ध कृपा है। अब है राजसिक सुख, इसको भी देखते हैं फिर समापन करते हैं। विषय इंद्रिय संयोगा यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। देखो सात्विक में बताया था आत्मबुद्धि प्रसादजम, और राजसिक में बताया था विषयेन्द्रिय संयोग। वो कहां से आता है, परमानेंट वहां से आत्मबुद्धि, और ये बाहर से। जब बाहर से मनुष्य ढूंढ रहा है ना, तो जानना राजसिक सुख एक लक्षण। और क्या है, प्रारंभ में मजा आएगा और परिणाम है दुख। प्रारंभ में बहुत अच्छा लगे राजसिक सुख, कोई पकौड़ी, कोई आनंद किया तो प्रारंभ में मजा आएगा, बाद में उसका जो परिणाम है रिपरकेशन है और बहुत दुख होता है। तो ये कहते हैं विषय, वहां कंपेयर करना, वहां क्या है ना अभ्यास, और यहां अभ्यास है चटपट फटाफट। सेकंड है आत्मबुद्धि प्रसाद, जब यहां विषय इंद्रिय संयोग, वहां क्या है प्रारंभ में कठिन है विषय और परिणाम अमृत, यहां उल्टा है, प्रारंभ में अमृत है एंड परिणाम में विषतल। अब तमसिक सुख क्या है वो हम लोग कल देखेंगे। हरिओम ऑनलाइन वाले, ये जो पीछे मेरा फोटो है ना, ये हमारे चिन्मय जागृति पटियाला के राम मंदिर का दिवाली डेकोरेशन, ठीक रात में मैंने ही फोटो लिया है, हम जानबूझ के आज रखे हैं। आपको अच्छा लगा, अच्छा कितना सुंदर मंदिर है, कहा तो जैसे जब तक वो हम वृत्ति नहीं आती है तो मैं कौन हूं नहीं पता चलेगा, इसलिए आपके अंदर एक वृत्ति आएगी, अच्छा इतना सुंदर मंदिर है हाँ, अगर ये वृत्ति आई फिर नेक्स्ट वृत्ति आएगी कि चलेंगे, नेक्स्ट वृत्ति आएगी कि देखेंगे, नेक्स्ट वृत्ति आएंगे कि रहेंगे, इसलिए हमने ये डाला। कभी भी आप आ सकते हो, बहुत लोग प्लान तो कर रहे हैं, कुछ लोग आने के लिए तो आएंगे, ठीक है। ये एक है और अलग अलग व्यू का मैंने लिया है, मैं दूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा